आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जांजगीर में OBC आरक्षण को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। दरअसल OBC आरक्षण के संबंध में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिस पर जांजगीर में भी विशाल रैली देखने को मिला। वहीं जांजगीर नगर के दुकानें भी बंद रही। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा आज 10 फरवरी को पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। जांजगीर से कैमरामैन हरीश कुमार के साथ जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भारत बंद और जांजगीर चांपा जिला बंद के माध्यम से केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि 85% जनसंख्या होने के बावजूद हम लोगों को लोकतंत्र में हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। देश के जितने भी संस्थान प्रतिष्ठान हैं, उनके जितने भी उच्च पद हैं, उसमें OBC की संख्या नहीं के बराबर है। जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की संख्या शून्यता के बराबर में है। तो हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, लेकिन हम लोग उच्च पदों पर भी जाना चाहते हैं और इसके लिए हम UGC और केंद्र सरकार को भी आगाह करते हैं कि जो 13 पॉइंट का रोस्टर लागू करके जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके दरवाजे हमारे लिए बंद कर रहे हैं। इससे सरकार बाज आए, HRD मिनिस्ट्री बाज आए, UGC बाज आए, क्योंकि ये देश सबका है, सबका बराबरी का अधिकार है। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है तो लोकतंत्र के जितने भी पद हैं, तमाम उच्च पद, उसमें ST, SC, OBC सबका होना जरूरी है। देखिए भैया, आज 70 साल हो गया आज़ादी के हुए। हमारे ST, SC, OBC आज सामान्य के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया गया है। हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता रहा हूँ, जांजगीर जिले में 16 लाख की जनसंख्या है। 16 लाख की जनसंख्या में 75,000 लगभग सामान्य लोग हैं और 3 से 4 लाख हमारे SC लोग हैं, ST और SC लोग हैं, और हम लोग टोटल 12 लाख होते हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं। तो 12 लाख को आज हमारा जांजगीर का जिस हिसाब से रोस्टर बनाया गया है, ST, SC, OBC का आरक्षण सीट बनाकर रखा हुआ है, और जहां जहां जिसको जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं, इसी कारण से आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला हर ब्लॉक मुख्यालय में आज का ये महासभा द्वारा, कचंदा पिछड़ा वर्ग द्वारा आज ये हड़ताल और एक रैली के रूप में किया जा रहा है दुकान बंदों पर। और दुकान में हमें लगभग सब तरफ से संपूर्ण सहमति मिल रही है और साथ ही साथ हमें सहयोग भी कर रहे हैं। हम लोगों का जो आरक्षण है 27%, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से, और अगर नहीं देंगे तो इस बार हम लोग जो चाहेंगे उसी को सरकार बनाए।